نحمدہو و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبست فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون۔ आज की इस नशिस्त में मैं आपके दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अय्याम शबाब के मुतालिक कुछ गुजारशात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। एक चीज़ हमें हर हाल में पेश नज़र रखनी चाहिए कि आपके दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसा शर्फ हासिल है, शायद किसी दूसरी हस्ती को ये शर्फ हासिल हुआ हो। बेशुमार अंबिया और रसूल ने अल्लाह का पैगाम हक सुनाया, लेकिन किसी ने भी अपनी ज़ाती ज़िंदगी को अपनी सदाकत की दलील नहीं बनाया। ये हुजूर पुनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शर्फ है जिसका ज़िक्र कुरान हकीम में बयान किया गया है और जिससे ये वादे किया गया कि अगर मैं अमूमी ज़िंदगी में जो तुम्हारे सामने रहा, तुम्हारे साथ मेल जोल रहा, तुम्हारे साथ ज़िंदगी के अय्याम गुजारे, अगर उनमें किसी भी हवाले से कुअदम तवाज़ुन आपने देखा है तो फिर मेरी इस दावत के बारे में तुम्हें शक व शुबा करने का हक हासिल हो सकता है। लेकिन जब मेरी अमूमी ज़िंदगी के अंदर कोई भी ऐसी बात आपके मुशाहता में नहीं आई तो मैं क्यों कर अल्लाह के पैगाम को सुनाने में या किसी बात को उस ज़ाते वाला सिफात की तरफ मंसूब करने की जुर्रत कर सकता हूँ, जबकि तुम किसी और चीज़ को मानो न मानो लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात का तसव्वुर बहर हाल तुम किसी न किसी अंदाज में अगरचे बिगड़ी हुई शक्ल में रखते हो, फिर भी उस ज़ात का तसव्वुर तुम्हारे सामने मौजूद है। जब हम आकिद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तदाई ज़िंदगी को देखते हैं तो ये हकीकत भी हम पर मुनकशिफ होती है कि ज़िंदगी जुहदे मुसलसल का नाम है। आपके इल्म में है कि आकिद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तदाई सालों में ही आपकी वालदा माईदा और आपके वालदे माजद इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। फिर आपके दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी तरबियत की, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। फिर आपकी कफालत का फरीज़ा जनाब अबू तालिब के ज़िम्मा हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ऐसा हसास दिल अता फरमाया कि उस उम्र में भी हम मुशाहदा करते हैं कि अपने चचा के अहवाल को देखते हैं, मुशाहदा करते हैं, तजिया करते हैं, जो उनकी मुश्किलात हैं उसका इदराक करते हैं और फिर सिर्फ़ इस अंदाज में लम्हात गुजारने के लिए आमादा नहीं कि जो कुछ भी हो रहा है मेरी इसमें कोई ज़िम्मेदारी नहीं, बल्कि अपने चचा का हाथ बटाने के लिए उस छोटी उम्र में भी अपनी जानब से एक ख़ास किरदार अदा करने का एहतमाम करते। सीरत निगार इस अमल का ज़िक्र करते हैं कि आकिद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्बिया का ज़िक्र करते हुए कहा कि वो बकरियां चराया करते थे। साहबे किराम ने जब ये जुमला हुजूर की बारगह अक्दस से
जुबान ने अख्तर से सुना था तो वो हैरान हुए और आपसे सवाल किया कि क्या आपने भी ये अमल किया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ मैंने भी ये अमल किया है। मैं चंद कराती जो है करारीत के ऊपर अरब के मक्का मुकरमा के लोगों की बकरियां चराया करता था। गोया उस छोटी उम्र में जो अभी 12 साल की उम्र भी नहीं है उसमें भी अपने चचा के अहवाल के दस्तोबाजू बनने का एहतमाम करते हैं और जिस हद तक मुमकिन है उनकी मुआवनत हो सकती है उसका लिहाज भी करते हैं और हिस्सा डालने की कोशिश भी करते हैं। इसी दौरानिए में जबकि आपकी उम्र 12 साल के करीब है तो आपके चचा तजारती सफ़र के ऊपर शाम की तरफ जाने का इरादा करते हैं। हम देखते हैं कि ऐसी उम्र में आम तौर पर एक बच्चा इन चीज़ों से न वाकिफ होता है और न ही दिलचस्पी का मुजाहरा करता है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपकी मिजाज में जो एक हसासियत का तसव्वुर रखा था आपने उस चीज़ का इजहार फरमाया और अपने चचा के सामने इस चीज़ को पेश किया कि मैं भी आपके साथ इस सफ़र में जाना चाहता हूँ ताकि जिस हद तक मुमकिन हो सके मैं आपकी मुआवनत कर सकूँ। आपके चचा ने अबू तालिब ने जनाब अबू तालिब ने उनकी इस बात को कबूल फरमाया और अपने साथ ले गए। इस सफ़र में कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जो आइंदा के वक्त में आइंदा के ज़माना में आके द्वारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बुलंद मकाम के ऊपर फ़ायज़ होने वाले थे उसका हमें शऊर हासिल होता है और उसका हमें इल्म होता है। रास्ते में ये कुरैश के लोग सफरी मामलात में या तजारत की गर्ज से उस वादी से अक्सर गुजरा करते थे जहाँ एक राहिब रहता था जिसका नाम तो कुछ और था लेकिन बुहैरा के नाम से ज़्यादा मशहूर था। लोग वहाँ से गुज़रते कभी उसने उस काफ़िला के लोगों की तरफ तवज्जो नहीं की होती थी, लेकिन इस दफ़ा काफ़िले वाले भी उसके एक रवैये से इंतहाई हैरान हुए। उसने लोगों को इन अफराद को दावत दी कि तुम मेरे खाने में शरीक हो। उसका सबब असल में ये बना था कि वो इत्तेफाक से काफ़िले की तरफ देखता है तो एक नौजवान जो अभी मुकम्मल नौजवान भी नहीं है जिसकी उम्र 12 साल है और अभी बच्चों में शामिल होता है क्या देखता है कि एक बादल उसके ऊपर साया फगन नज़र आता है और जिस तरफ वो बच्चा जाता है उसी तरफ वो बादल भी चल पड़ता है। इस चीज़ ने उसे हैरान कर दिया और फिर अपने साबका कुतुब के अंदर जो उन्हें बशारतें मिली थीं और जो अलामात ज़िक्र की गई थीं आखिरी नबी के हवाले से वो चीज़ें उसके जहन में घूमने लगीं। इसी चीज़ का जायज़ा लेने के लिए उसने तमाम काफ़िले के लोगों को दावत दी। जब सब लोग आ गए उसने पूरी तवज्जो की गौर से देखा लेकिन जिसकी वो तलाश कर रहा था जिस वजह से उसने दावत का एहतमाम किया था वो फ़र्द मौजूद नहीं है। उसने सवाल किया कि क्या सब लोग आ गए हैं तो काफ़िला के लोगों ने कहा सब लोग आ गए। उसने पूछा क्या कोई फ़र्द रह तो नहीं गया तो उन्होंने बताया हाँ एक बच्चा हम छोड़ आए हैं जो हमारे सामान के पास है जो उसकी हिफाजत करेगा निगहबानी करेगा। उसने कहा नहीं हर सूरत में उसको बुलाया जाए वो इस महफल में शामिल हो वो मेरे इस खाने में शामिल हो। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस महफल में शरीक होते हैं
पूरी तवज्जो उसकी आपके चेहरे अनवर के ऊपर मरकूज होती है, और वो तमाम निशानियाँ जो साबका कुतुब के अंदर आखिरी नबी के हवाले से मरकूम थीं, जिनका जिक्र किया गया था, वो चीज़ें उसे नज़र आती हैं। लेकिन उसने अपनी तसल्ली करने के लिए, जब ये खाने का इख्तिताम हुआ, महफिल इख्तिताम पजीर हुई, तो उसने आपका इम्तिहान लेना चाहा और तसल्ली करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के इल्म में था कि जो मक्का मुकरमा के रहने वाले हैं, वहाँ बेशुमार बुत पड़े हैं और लोग बुतों की इबादत करते हैं और लात व उज्जा के नाम की कस्में उठाते हैं। तो उसने इसी हवाले से आके दुआम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करना चाहिए, और उसने लात व उज्जा की कसम देकर कहा कि मैं जो कुछ पूछूं तुम उसका सही सही जवाब दोगे। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन इरशाद फरमाया कि मेरे नज़दीक सबसे मबहूज चीज़ें ये हैं, मैं उन की कसम उठाने पर आमादा नहीं। फिर उसने दूसरा सवाल किया कि मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देकर आपसे पूछता हूँ और उसकी कसम देता हूँ कि जो मैं सवाल करूँ तुम उसका सही सही जवाब दोगे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी से कहा कि हाँ, अब जो तुम पूछोगे मैं उसका जवाब दूंगा। उसने मुख्तलिफ सवालात किए। आके दुआलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी उम्र अभी 12 साल है, आपने बड़े ही बावकार तरीके में तरीका से उसे जवाब दिया। आखिर में उसने आपके जस्ते अतर से कपड़ा हटाया और पुश्त की जानब मोहर नबूवत देखना चाही, जिसका जिक्र साबका कुतुब के अंदर मौजूद था। जब उसने ये मंजर देखा तो बेसाख्ता आपकी उस मोहर नबूवत को बोसा दिया, और साथ ही साथ आपके चचा जनाबे अबू तालिब को मुतनब्बे किया कि जितना जल्द हो सके अपने इस भतीजे को यहाँ से वापस ले जाओ, क्योंकि अगर दूसरे लोगों को पता चल गया तो ख़तरा है कि कहीं आपको अजियत ना पहुँचे। अगर हम अरब मुआशरा या मक्का मुकरमा के अंदर जो ज़िंदगी का मामूल था उसको अगर हम देखें, तो कुफ्र व शिर्क बुतपरस्ती अपने उरूज पर है। लेकिन आप जानते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ एक ही रुख पर नहीं चल रही होती, बल्कि ज़िंदगी के मामलात चलाने के लिए एक इंसान बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ पहलू उसे बजा लाना होते हैं। तो हम देखते हैं कि हर वो अमल जो किसी भी हवाले से इंसान की शख्सियत को दागदार करता है, आके दुआम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौर में भी अपने आप को महफूज रखते हैं। ये बुत परस्ती तो दूर की बात है, बल्कि अखलाकियात के हवाले से, जिसमें किसी भी हवाले से दनाअत का जिक्र आता है, पस्ती का जिक्र आता है, बद अखलाकी का जिसका जिक्र आता है, आप उससे कोसों दूर थे। लेकिन हर वो अमल जो किसी भी मुआशरा को बका अता करने का जरिया बन सकता है, हम देखते हैं कि आके द्वार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौर में भी ये इकदाम करने के लिए न सिर्फ खुद आगे बढ़ते हैं, बल्कि पूरे एहतमाम करते हैं ताकि कोई फर्द भी किसी दूसरे फर्द के साथ उस वक़्त भी कुछ जुल्म सितम न करे जबकि आपने अभी ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया था और अल्लाह ताला की जानब से इसका हुक्म नहीं हुआ था। हम उसकी एक जिंदा मिसाल देखते हैं। जजीरे अरब हकीकत में एक कबायली मुआशरा था, और जिसमें ये एक आम मामूल था कि लोगों वसाइल हासिल करने के लिए ये कत्रो गारत करना, ये डाके डालना,
शब खून मारना ये उनका आम मामूल हुआ करता था और उसको जायज़ समझा जाता था। और फिर अगर कोई बच्चा किसी के हाथ लग गया, कोई औरत किसी के हाथ लग गई, तो दो ही सूरतें थीं, या तो उसी के पास बतौर गुलाम वक्त गुजारेगा या फिदिया लेकर उसको आज़ाद कर देगा। इसी तरह बाज़ औक़ात क्योंकि मक्का मुकरमा को अरब मुआशरा में एक मरकजियत हासिल थी, इसलिए लोग जो कुछ उनके पास सामान तजारत बनता था अपने घरों में या अपने कबाइल में, तो वो लोग लेकर यहाँ आते ताकि अपनी इस चीज़ को बेचकर ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर सकें। लेकिन यहाँ मक्का मुकरमा में भी बाज़ औक़ात ऐसे हादसात रूनुमा हो जाया करते थे कि लोग आते ताजर बनकर, लेकिन उनका सब सामान लूट लिया जाता, ख़रीदा तो जाता लेकिन कीमत अदा करने पर आमादा कोई ना होता। जब इस किस्म की सूरत-ए-हाल सामने आई तो आके दुआलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अभी जो है बेहतर उम्र हो चुकी थी और 20 साल के करीब करीब आपकी उम्र थी, तो उस वक़्त कुछ अफराद ने इस ज़रूरत को महसूस किया और उसकी वजह यह बनी कि एक आदमी बेचारा आया और उसने सामान बेचा, लेकिन उसकी कीमत अदा करने के लिए वो रईस तैयार न हुआ, तो वो हर मजलस के अंदर गया जो बैतुल्ला शरीफ के साए में मजलस बरपा हुआ करती थी। किसी ने उसकी उस तकलीफ़ का इजाला करने की कोशिश न की। फिर वो एक पहाड़ी के ऊपर चढ़कर आहो फगां करता है, अपने दुख का इजहार करता है, और उसे इस बात का भी एहसास है कि मैं जिस कबीला से ताल्लुक़ रखता हूँ वो इंतहाई कमज़ोर है और मक्का मुकरमा में रहने वाले कुरैश का मुकाबला करने का वो लोग सोच भी नहीं सकते, और कोई दूसरा कबीला भी हमारी मदद पर आमादा नहीं होगा। उसने इतनी दर्दनाक अंदाज में अशआर की सूरत में अपना दुखड़ा ज़िक्र किया कि कुछ लोगों के दिलों में उसकी मदद के लिए एक सोच पैदा हुई, और फिर उन्होंने बाहमी मुशावरत की और आके द्वार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अंदर बनफ्से नफसी शरीक हुए, बल्कि उन अफराद के दस्तों बाजू भी यूं बने कि उस उम्र में जो आपके हम उम्र लोग थे उनको भी उसमें शरीक करने का एहतमाम किया और ये फैसला किया, और इसका नाम भी हिल्फुल फजूल पड़ा। उसकी वजह यह थी कि अगरचे ये मुआहदा जो फजूल कहलाता है इससे कबल उन अफराद ने किया था जिनके नाम में फजल आता था, उसी नाम को पसंद करते हुए इस दोबारा मुआहदे को हिल्फुल फजूल का नाम ही दिया गया। अब ये बाकायदा मक्का मुकरमा के अंदर ऐलान कर दिया गया कि कोई फ़र्द अगर किसी पर जुल्म करेगा, किसी के साथ ज़्यादती करेगा, तो हम लोग आगे बढ़कर उसके जुल्म को रोकने का एहतमाम करेंगे। ये चीज़ किस कदर अहम है किसी भी मुआशरा के लिए, आके द्वार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान हमारी इस बारे में रहनुमाई करता है कि हुज़ूर ने फरमाया कि आज भी अगर कोई फ़र्द मुझे इस किस्म के मुआहदा की दावत देगा तो मैं सुर्ख ऊंट कबूल नहीं करूंगा, मैं उस जो है आहद के अंदर उस मुआहदा के अंदर शामिल होने को पसंद करूंगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो आके द्वार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हर हवाले से इंसान की रहनुमाई का सबब बनती हैं कि अगर तुमने एक बेहतरीन मुआशरा तश्कील देना है तो उसके लिए जुल्म को रोकना ज़रूरी है, और ग़रीब की और मिस्कीन की और मोहताज की और बेकस की आवाज़ बनना ज़रूरी है। दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया फेरा शरीफ दीनी और असरी तालीम का बेमिसाल इदारा है, जहाँ असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक कुरान और सुन्नत की तालीम दी जाती है और हर साल हज़ारों तलबा व तलबात ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं।
रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत लम्हात में ज़कात व सदक़ात और माली तआवुन इस अजीम इदारे तक पहुँचा कर इस मिशन में अपना हिस्सा डालें। दर्जा ज़ैल अकाउंट्स पर अपना तआवुन इरसाल फरमाएं। आप सादो नो जहां में नजर आया ही नहीं, आप सादो नो जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। आपने जब से नवाजा है या रसूल आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, मैंने दामन किसी चौकट पे बिछाया ही नहीं, मैंने दामन किसी चौकट पे बिछाया ही नहीं, और जिसने सरकार के चेहरे की ज़ियारत कर ली, जिसने सरकार के चेहरे की ज़ियारत कर ली, उसकी आँखों में कोई और समाया ही नहीं, उसकी आँखों में कोई और समाया ही नहीं, और जो भी काबे से पलट आए मदीने ना गए, जो भी काबे से पलट आए मदीने ना गए, यूं समझ लो उसे आका ने बुलाया ही नहीं, समझ लो उसे आका ने बुलाया ही नहीं, और आपकी नात ही शहजाद का सरमाया है, आपकी नात ही
शहजाद का सरमाया है, इसने कम में ने तो कुछ और कमाया ही नहीं, इसने कम में ने तो कुछ और कमाया ही नहीं, आप साधो नौजहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया फेरा शरीफ दीनी और असरी तालीम का बेमिसाल इदारा है, जहां असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक कुरान और सुन्नत की तालीम दी जाती है और हर साल हज़ारों तलबा और तलबात ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत लम्हात में ज़कात व सदक़ात और माली तआवुन इस अजीम इदारे तक पहुँचा कर इस मिशन में अपना हिस्सा डालें। दर्ज़ ज़ेल अकाउंट्स पर अपना तआवुन इरसाल फरमाएँ।